इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको मैं बहुत अच्छी कैटेगरी में रखता हूं। चलो पार्टिकल SHM कर रहा, सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द मीन पोजिशन से स्टार्ट करता है। देखो पार्टिकल वैसे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, पर यहां पर दिया गया मीन पोजिशन से। एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है, एट वन टाइम इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। क्या है, कुछ स्पेशल पोजिशन पे जाके स्पीड मैक्सिमम की आधी हो जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब आपको पता होगा कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये यहां से जाएगा, समझना इसको, यहां से जाएगा इधर, फिर रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, यहां रुक नहीं पाएगा, इधर जाएगा, रुकेगा, वापस आएगा, एंड इनफाइनाइट टाइम तक इसकी कहानी ऐसे चलती रहेगी, बराबर है। आपको पता होगा कि जो स्पीड होता है वो एक टाइम का भी फंक्शन होता है, पोजीशन का भी फंक्शन होता है। हर पॉइंट पे स्पीड वेरिएबल है, वेरी करती रहती है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के भी रिस्पेक्ट में चेंज होगी और पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी चेंज होगी। अभी कौन सा फार्मूला लगेगा, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, अभी मैं मान लिया हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और यहां एक्स इज इक्वल टू जीरो है और ये एम्पलीट्यूड है। तो आप देखो इसी को डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एट वन टाइम स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे, और ये एम्पलीट्यूड ए मान लेता हूं मैं, चलो एम्पलीट्यूड ए मान लेता हूं। अब इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, मैक्सिमम स्पीड जब होती है जब ओरिजिन पे होती है एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब ये आ जाएगा ओमेगा ए, इट इज द मैक्सिमम स्पीड। अब कंडीशन लगाओ, जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, एट वन टाइम स्पीड हाफ है मैक्सिमम स्पीड की, मतलब ये हुआ स्पीड वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी मैक्स, बराबर है ये सारी चीज। अब डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, तो अब मेरे पास मिला हाफ और ये आ गया ओमेगा ए और यहां से आ गया ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व करने सबको आता होगा आई होप। देखो क्या कैलकुलेट करना है, इसमें से डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा ने ओमेगा को स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई फोर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फटाफट कैलकुलेशन करो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस थ्री बाई फोर ए स्क्वायर अंडर रूट, मतलब प्लस माइनस ए बाई टू रूट थ्री, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स कि ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड भी होगा राइट साइड भी होगा, दो पर्टिकुलर ऐसे पोजीशन होंगे जहां पर स्पीड मैक्सिमम की आधी होगी, एक राइट साइड जाएगा एक लेफ्ट साइड जाएगा, दैट इंडिकेटेड बाय द साइन प्लस माइनस, तो ए रूट थ्री बाई टू है कोई ऑप्शन।